दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को शानदार कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, इस साल आईपीएल में हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस और संजू सैमसन की राजस्थान रॉयल्स दोनों ही टीमों ने बहुत ही ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया और अपनी टीम को प्लेऑफ तक लेकर गए। अब इन दोनों टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबला तो होगा और ये सेमीफाइनल मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। कौन सा खिलाड़ी किस टीम के लिए बन सकता है खतरा और क्या रहने वाली है इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन में कौन है बेहतरीन कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस साल हार्दिक पांड्या की गुजरात की टीम ने ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया, जिसके चलते उनकी टीम को पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 का स्थान मिला। इसके अलावा राजस्थान की टीम भी इनमें कुछ कम नहीं है और ये भी अभी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच हुआ मुकाबले को जीत कर आ रही है। इस जीत के साथ ही इनको पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान मिला और अब इन दोनों टीमों के बीच में सेमीफाइनल का पहला मुकाबला खेला जाएगा। अब हम आपको बताते हैं क्या रहने वाली है इस मुकाबले की हाइलाइट। दोस्तों सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि पिछले कई मुकाबलों में अपनी फॉर्म से जूझ रहे जॉश बटलर इस मुकाबले में ताबड़तोड़ शतक बनाकर सभी को चौंका सकते हैं। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है कि जॉश बटलर इस मुकाबले में 100 से 120 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल सकते हैं और ये अपनी इस पारी में 10 से 12 छक्के भी जड़ने वाले हैं। इसके अलावा इनके साझेदार यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में ज्यादा शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि इनकी टीम के कप्तान संजू सैमसन भी इस मुकाबले में कप्तानी पारी खेल सकते हैं और अपने बल्ले से तेज तर्रार 40 से 50 रन बनाकर गुजरात की टीम के गेंदबाजों को दुविधा में डाल सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की टीम के सुपर स्ट्राइकर सिमरन हेटमायर भी तेज तर्रार 30 से 35 रन बना सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 200 से 220 रन बना सकती है और गुजरात की टीम के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख सकती है। इसके बाद अगर हम गुजरात टाइटंस की टीम की बात करें तो गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखा सकते हैं और इस मुकाबले में शानदार अर्धशतक जड़ सकते हैं। हालांकि इस आईपीएल में शुभमन गिल का बल्ला इतना अच्छे से नहीं चला, लेकिन इस मुकाबले में शुभमन गिल अपनी बल्लेबाजी से सभी के होश उड़ा सकते हैं। इसके अलावा मैथ्यू वेट भी 30 से 40 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले हैं। हम आपको बता दें इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या 70 से 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले हैं और ये अपनी इस पारी में 7 से 8 गगनचुंबी छक्के भी लगाने वाले हैं। इसके अलावा इनकी टीम में डेविड मिलर और राहुल तेवतिया भी अंत में आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं और अपनी टीम को बड़े से बड़े लक्ष्य को पार करके मुकाबला जिता सकते हैं। इस मुकाबले में डेविड मिलर भी अपनी शानदार अर्धशतक पूरा कर सकते हैं और इसके अलावा राहुल तेवतिया तेज तर्रार 30 रनों की पारी खेल सकते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम 200 रन या इससे ऊपर का भी स्कोर बनाती है तो गुजरात टाइटंस की टीम इस लक्ष्य को भी आराम से पार कर लेगी और इस मुकाबले में जीत हासिल कर लेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इस मुकाबले में गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजी में गुजरात की टीम की तरफ से मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में अपना जलवा दिखाने वाले हैं और राजस्थान की टीम की तरफ से 3 बड़े बल्लेबाजों को आउट कर सकते हैं। तो वहीं अगर राजस्थान की टीम की बात करें तो इनकी टीम की तरफ से यजुवेंद्र चहल अच्छी गेंदबाजी करने वाले हैं, तो वहीं 2 से 3 विकेट लेकर पर्पल कैप अपने सर पर सजा सकते हैं। दोस्तों आपके अनुसार इस मुकाबले में कौन सा बल्लेबाज सबसे अधिक स्कोर बना सकता है, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।